तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पंजाब के दौरे पर और मंच पर पहुंच गए हैं। लुधियाना में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुंदरनगर में फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर के बाद संबोधन की वो तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये 10वां राज्य जहां सीएम भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनावों के इस पूरे चुनावी समर में पहुंचे हैं। राजस्थान में दोनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार अलग अलग राज्य पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पंजाब के लुधियाना से तस्वीरें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में सभा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा के साथ, वो वहां पर और बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति। लेकिन खास बात यह कि राजस्थान के राजस्थानी भी पंजाब के लुधियाना में मौजूद हैं, और उन राजस्थानियों के नाम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण दिवस पर किस तरह से अपनी भागीदारी वो निभा सकते हैं, ये बातें आज जरूर अपने संबोधन में सीएम शर्मा करने वाले हैं। फिलहाल चर्चाओं का दौर जारी है। कैलाश चौधरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के साथ हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये 10वां राज्य में गलत नहीं हूं तो होगा सीएम भजनलाल शर्मा का, और अब से कुछ ही देर के बाद संबोधन भी सामने आ जाएगा। दिनेश, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के लुधियाना में चुनावी प्रचार, और चेहरे पर खुशी साफ तौर पर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह हर चरण के साथ बढ़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर पंजाब की सियासत देखी जाए तो यहां पर राजस्थानी और राजस्थानियों के नाम पर मैसेज देते समय सीएम भजनलाल शर्मा क्या बातें रखते हैं सामने, क्योंकि अमूमन हमने देखा है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य और उनके विकास के एजेंडे को सामने रखते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं, क्योंकि पांचवें चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसके बाद सिर्फ दो और चरण बचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, 10वां राज्य है सीएम भजनलाल शर्मा का जहां चुनावी प्रचार कर रहे हैं, और एक बार फिर से आज राजस्थानियों के नाम संबोधन भी देने वाले हमसे कुछ देर के बाद। दिनेश, आवाज पहुंच रही है आपको? तो देखिए, आप समझ सकते हैं क्योंकि उत्साह से लबरेज है, और जब बात पंजाब की होती है तो बुलंदी और आवाज की कहीं ना कहीं जो ऊंचाई है वो दूर तक जाती है, गूंज दूर तक सुनाई देती है। फिलहाल मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत सत्कार की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बड़ी सी फूलमाला में स्वागत सत्कार उनका किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उनके साथ, और स्वागत सत्कार की तस्वीरें पंजाब के लुधियाना से सामने आई है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग भी हैं। यानी कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए राजस्थान के वो प्रवासी जो दूसरे राज्यों में या देश से बाहर है, लेकिन कुल मिलाकर के देश से दूर, राज्य से दूर होकर भी दिल भारत के लिए और अपने अपने देश के लिए, अपने अपने राज्य के लिए माफ की जगह धड़कता है। ऐसे में तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। अब से कुछ देर के बाद जब संबोधन होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वो भी आप सुनेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7 और टीएमसी ने 4 सीटों को जीता था। कांग्रेस जो है वो केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी और अन्य 5 सीटें मिली थी। लेकिन अगर इस फेज की बात की जाए तो इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। लेकिन कई बड़े चेहरों की साख भी इस बार, जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर रहेगी। पांचवा चरण ये होगा, 695 कैंडिडेट्स मैदान में, 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। साथ ही आपको अगर जानकारी दें, चुनाव आयोग के अनुसार ये पूरा डेटा रिलीज किया गया है पांचवें फेज का, जिसमें 695 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों में 400 पार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और इसी कड़ी में झारखंड के जमशेदपुर के घाटशिला में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को विकास का काखा गया भी नहीं मालूम, लेकिन झारखंड राज्य इतना अमीर होने के बावजूद क्यों यहां की जनता गरीब है? इसकी वजह है कांग्रेस और जेएमएम
राजद, जिसने झारखंड को बर्बाद कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पुरुलिया और विष्णुपुर में जनसभाएं की। पुरुलिया में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। पीएम ने वहां पर भी कहा कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो, ये तीनों पार्टियां दिखती अलग अलग है लेकिन उनके पाप एक जैसे हैं। इसीलिए उन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। जहां भी उन्होंने सरकार चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया है। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का मॉडल विकास पर आधारित है ही नहीं, वे कुशासन, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, साथ ही वंशवादी राजनीति के मॉडल पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि मैं अब कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं जाने दूंगा। मोदी आपको एक और गारंटी दे रहा है, 4 जून के बाद जब हम नई सरकार बनाएंगे, भ्रष्ट लोगों को अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भी इसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित किया। आपका उत्साह बता रहा है कि जमशेदपुर में 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने का एक चुनाव। साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। आपनार सपनों मोदे संकल्पो। भाइयों बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है, न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां बेटे बेटियों के लिए काम करना है। बीजेपी की इस आंधी ने टीएमसी के आतंक के सभी किले ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और इसलिए बंगाल में टीएमसी वाले जरा ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक
अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के मिशन 400 पार को लेकर मोर्चा संभाला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा, राहुल बाबा मैं ये बात प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कह रहा हूँ, पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। आपने 70 साल के अनुच्छेद 370 को बरकरार रखा, लेकिन लोगों ने पीएम मोदी और उन्हें वोट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं, राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खरगे महाराज, 80 पार कर गए, इस देश को नहीं समझ पाए आप? मेरे इलाहाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं, पाकिस्तान को सम्मान दो। क्यों सम्मान दो? क्योंकि इसके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। मैं आज पूछने आया हूं सोराव वालों को कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। राहुल बाबा, आपने 70 साल तक 370 को बचा कर रखा। प्रयागराज वालों, आपने यहां से मोदी जी को चुनकर भेजा, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कैथल, करनाल और फरीदाबाद में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैथल में बीजेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये घमंडिया गठबंधन है, इसमें सभी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और महिलाओं का अपमान करने वाले लोग शामिल हैं, इनकी करतूतें बेहद गंदी है और ऐसे लोगों को घर बैठाने का काम आप कीजिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक संस्कृति की आबोहवा बदली, भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया और आज पूरी दुनिया में भारत का ऊंचा रुतबा है। मेरा यह सौभाग्य है कि आज कैथल में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और जो मैंने यहां आप लोगों के मन में जो उत्साह देखा, जो उमंग देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि आपने नवीन जिंदल जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बदला, सिर्फ देश ही नहीं बदला, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई, कामकाज का तरीका बदल गया, यह हमको समझना चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली के दौरान हंगामा हो गया। इसके चलते राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना भाषण के ही वहां से लौटना पड़ा। दरअसल राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही उनके जो समर्थक वहां पर मौजूद थे वो बेकाबू हो गए।
उन्होंने सुरक्षा घेरा तक तोड़ दिया और मंच की ओर ये सभी बढ़ने लगे। पुलिस ने जब भीड़ को रोकना चाहा तो वहां पर धक्का मुक्की हो गई और इसके चलते पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भगदड़ मच गई। इस दौरान कई समर्थकों को चोट भी पहुंची। तो वहीं स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर राजधानी दिल्ली में जबरदस्त सियासत चल रही है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़क पर उतरकर पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद वे पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना भी हुए। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक सहित दिल्ली के तमाम मंत्री, विधायक और पार्षद मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने पार्टी नेताओं को बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने से रोकना चाहा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स के पास आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वहीं पर बैठ गए। हालांकि बाद में वे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की तरफ वापस लौटे तो वहीं स्वाति मालीवाल मारपीट केस में मुख्यमंत्री ने आवास की जांच के लिए जब हामी भरी तो पुलिस पहुंची और जांच उनके आवास की। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किए। पुलिस जांच के लिए प्रिंटर और लैपटॉप भी साथ लेकर पहुंची थी। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोग